गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? यस सर। सर्दी खांसी जुखाम बुखार से सब बचे हुए हैं ना? यस सर। ठीक है, ऐसे ही बचे रहना भी है और दूसरों को भी बचाए रखना है। यस सर। लॉकडाउन में गवर्नमेंट के जितने भी गाइडलाइन हैं उन सब का पालन करना है और किसी प्रकार से भी कोई जब तक जरूरी काम ना हो कोई बाहर ना घूमे। ठीक है? यस सर। बाकी और दूसरे बच्चों को भी बोलते हैं ज्वाइन करते हो, अभी तो 12 बच्चे हुए हैं। चलो बाकी और आ जाएंगे, ज्वाइन ज्वाइन करनी है सभी, बाद में करते रहेंगे ज्वाइन, बोलते रहना। एक कौन गया? चलो चलो पिछले अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आया हो तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पीछे वाले में जो है उसके बारे में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अभी तक हम एक्सपेंसेस डिवाइसेस जो पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन डिवाइसेस, उसमें कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व और आज है फ्लोट वाल्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले जितने पढ़े हैं उसमें से यदि किसी को कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हो। या आगे स्टार्ट करें? अनुज कुछ पूछना है? स्टार्ट करो सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक रहेगा क्योंकि कोई पूछता तो है ही नहीं, सबको सब कुछ आता है इसलिए ज्यादा उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लोट वाल्व ये भी एक्सपेंशन डिवाइसेज हैं। फ्लोट वाल्व ऐसी यूनिटों में प्रयोग किया जाता है जहां एवापोरेटर के अंदर पूरी तरह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरी होती है। जो एवापोरेटर फल्ड टाइप होते हैं जिनके अंदर लिक्विड भरी होती है, ऐसे एवापोरेटर के अंदर इस प्रकार का फ्लोट वाल्व प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना? सही। यस सर। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो तीर का निशान दिया है, इस से ये पता चलता है कि द्रव रेफ्रिजरेंट इस रास्ते, ये इनलेट है फ्रॉम लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन से आने वाली लाइन है ये, और ये इसका इनलेट है। इस ये क्या फ्लोट टाइप एवापोरेटर है ये सारा। ठीक है, इसके अंदर ये बड़ा फ्लोट वाल है, ये जो लगा है ना फ्लोट, आप लोगों ने पानी की टंकी के अंदर या वाटर कूलर के अंदर फ्लोट वाल्व लगा हुआ देखा होगा। यस सर। और ये पता है, अब उस वाल्व को देखने से हमें पता चल जाता है कि ये वाल्व कैसे काम करता है। जब पानी की टंकी खाली होती है तो वाल्व फ्लोट बॉल जो है वो नीचे की तरफ अपने वजन से गिरी हुई होती है, जिससे रास्ता टंकी का खुला होता है, पानी उसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। और जब जैसे जैसे पानी भरता जाता है बॉल ऊपर आती जाती है और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब बॉल के द्वारा आने वाले पानी के उसको रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और पानी आना बंद हो जाता है। जिस प्रकार टंकी में फ्लोट वाल्व काम करता है वैसे ही यहां भी ये फ्लोट काम करता है। इसमें भी यही है, ये
चैम्बर है पूरा, इस चैम्बर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरती है। जब ये खाली रहती है तब ये वाल्व नीचे रहता है और जैसे जैसे लिक्विड इसमें भरती जाती है तो बॉल ऊपर जाती है और इस रास्ते को बंद करना शुरू कर देती है। जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो ये रास्ता रेफ्रिजरेंट का, इनलेट का जो अंदर आने का रास्ता, ये बंद हो जाता है। और एवापोरेटर के अंदर ये पूरा एवापोरेटर जो लिक्विड से भरा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है एवापोरेटर का है, इसमें जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट एवापोरेट होती है, गर्मी के कारण रेफ्रिजरेंट जो वेपर में परिवर्तित होगी, वेपर में चेंज होगी, तो वेपर में चेंज होने से ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ना, टू सेक्शन लाइन ये लिखा हुआ, इस ऊपर वाली लाइन के द्वारा सेक्शन लाइन में चली जाती है। ठीक है, ये सेक्शन लाइन का रास्ता है। जो एवापोरेट हो गई, वाष्पित हो गई, वो रेफ्रिजरेंट ऊपर उठकर यहां से सेक्शन लाइन में चली जाएगी। जब यार रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो जाएगी तो, क्योंकि ऊपर से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर भरा हुआ है, ये इसका जो लेवल है ये इसके अंदर भरा रहता है, इसको एवापोरेट होने वाली रेफ्रिजरेंट वाष्पित हो गया सिस्टम के थ्रू कंप्रेसर में चली जाती है। सर माइक बंद कराइए, आवाज को नहीं आ रहा है। म्यूट ऑन ठीक है। अब ये सिंपल सा साधारण सा इसका जो कार्य विधि है कि ये इनलेट है, यहां से द्रव रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन से जो रेफ्रिजरेंट आएगी वो इस वाल्व के थ्रू, ये जो फ्लोट वाल्व है इस वाल्व के थ्रू कंट्रोल करेगा इसके भाव को। ये सर टैंक है, इस टैंक के अंदर रेफ्रिजरेंट भरती रहेगी और यहां से इसके अंदर रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के अंदर पूरी लिक्विड भरी होती है। हीट लोड से ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एवापोरेट होगी, वाष्पित होगी, तो इस प्रकार वाष्पित रेफ्रिजरेंट ऊपर सेक्शन लाइन को जाती रहेगी। ये जो है बेफल है, जो रेफ्रिजरेंट के अंदर वेपर के अंदर यदि कुछ लिक्विड पार्टिकल हैं तो वो लिक्विड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल जो है वो इससे लगकर वापस नीचे टैंक के अंदर गिर जाएंगी और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट ऊपर जाएगी। ये तो है लो साइड फ्लोट वाल्व, ये लो साइड फ्लोट वाल्व का डायग्राम है और लो साइड फ्लोट वाल्व इस प्रकार से काम करता है। समझ में आया कुछ कि लो साइड फ्लोट वाल्व कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? जी सर। आपको सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है सर। सीधा दिख रहा है ना? ठीक है जी सर। तो ये लो साइड फ्लोट वाल्व है, इसी तरह से हाई साइड फ्लोट वाल्व होता है। ये जो दूसरा वाला डायग्राम है ये हाई साइड फ्लोट वाल्व का है, हाई साइड। इसके अंदर ये फ्लोट जो है लो साइड में, ये वाला फ्लोट लो साइड में लगा हुआ है, लेकिन ये जो है हाई साइड में लिक्विड लाइन में ही लगा हुआ है। ये इसके बाद ये एवापोरेटर अलग है, इसके अंदर जो ये फ्लोट है इसके अंदर से आने वाली जो रेफ्रिजरेंट है उसके हिसाब से कंट्रोल करेगा। ऊपर से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर गिरेगी, जब ये भरेगा तो वाल्व ऊपर उठेगा, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर चली जाएगी एवापोरेटर के अंदर, और जब इसमें रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो जाएगी तो ये जो वाल्व है ये इस लाइन में
सेट हो जाएगा, इसकी सीट जो है इस लाइन में सेट हो जाएगी। इस प्रकार से हाई साइड का फ्लोट वॉल अंदर की बाहर की तरफ होता है और लो साइड का फ्लोट वॉल अंदर की तरफ होता है। इसमें इस प्रकार का टैंक होता है और इसके अंदर इस प्रकार से बाहर बाहर की तरफ टैंक होता है। बाहर वाले टैंक में ये फ्लोट होता है। सिंपल सा कार्य है और ये अपने ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाता है। ग्रेविटी क्योंकि जब ये इसमें लिक्विड कम होगा तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। जब लिक्विड भरेगा तो ये बॉल ऊपर उठ जाएगी, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर एवापोरेटर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से हाई साइड और लो साइड ये दो प्रकार के एवापोरेटर में एक्सपेंशन डिवाइसेस लगाए जाते हैं। ये उन्हीं यूनिटों में लगाए जाते हैं जो जिसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के अंदर फ्लो होती है। डायग्राम बनाने हैं दोनों, ठीक है? कुछ समझ में ना आया हो तो इसमें से पूछ सकते हो। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिर। ठीक है, हाई साइड और लो साइड दोनों ये फ्लोट वाल्व हैं जो एक्सपेंसिव डिवाइसेस का काम करते हैं। हाई साइड का जो बनावट है ये वाली है, लो साइड जो फ्लोट वाल्व है उसकी बनावट ये वाली है। आसानी से पहचान भी सकते हैं कि ये हाई साइड है और ये लो साइड है। लो साइड वाला अंदर की तरफ होता है और हाई साइड वाला बाहर की तरफ होता है और दोनों की बनावट थोड़ी सी डिफरेंस है। इसकी बनावट में इस प्रकार का आपको दिख रहा है और ये जो है लो साइड वाला इसकी बनावट ये है। इसके बाद अब हम एवापोरेटर, एवापोरेटर किसे कहते हैं, एवापोरेटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एवापोरेटर के बारे में सबको पता होगा कि एवापोरेटर क्या चीज है, एवापोरेटर क्या काम करता है, एवापोरेटर किसे कहते हैं? फ्रीजर को कहते हैं सर। फ्रीजर को कहते हैं और क्या काम करता है एवापोरेटर? ये ठंडक उत्पन्न करता है, ठंडा करने का काम, ठंडा करने का काम करता है। और भी कुछ करता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है सर। एवापोरेटर का मुख्य जो काम है वो तो यही है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो एवापोरेटर में प्रवेश करती है उसको वो बॉयल करे, उसको एवापोरेट करे, जिससे जब वो बॉयल होगी, बॉयल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसे उबालने के लिए? ऊष्मा की। जैसे हम पानी उबालते हैं तो उसके नीचे आग जलाते हैं ना, तो ऐसे ही एवापोरेटर के अंदर यदि रेफ्रिजरेंट को उबालना है तो उसमें हीट की जरूरत पड़ेगी। हीट कहाँ से मिलेगी हमें? खाद्य पदार्थों से, उस स्थान से। एवापोरेटर इसीलिए कैबिन के अंदर बंद होता है कि एक निश्चित जो स्थान है उस स्थान के अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ जो है उनसे उत्पन्न ऊष्मा को प्रयोग करके एवापोरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आती है उसको उबाला जाता है, जिससे वहां का तापमान अपने आप कम हो जाएगा। अगर तापमान कम हो गया तो ऊष्मा निकल गई तो क्या होगा, वहां ठंड हो जाएगी। किसी वस्तु की यदि ऊष्मा निकाल दी जाएगी तो उस वस्तु का तापमान कम हो गया और तापमान कम हो गया तो वो वस्तु ठंडी हो गई है। एवापोरेटर का मुख्य काम है एवापोरेटर में आई हुई द्रव रेफ्रिजरेंट को वाष्पित करना। इसके लिए एवापोरेटर के अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ या उस स्थान की जो लेटेंट हीट है, जो स्पेसिफिक हीट है, सेंसिबल हीट है, उस सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के द्वारा ऊष्मा
जो ऊष्मा है उसके द्वारा रेफ्रिजरेंट को वाष्पित करना, एवापोरेट करना, ये इसका काम है। आज यशव गुप्ता नहीं आया क्या? यशव गुप्ता भी नहीं है और मेरे ख्याल से आज मोहित शर्मा नहीं है ना? नहीं सर, दोनों ही नहीं है, दोनों कहाँ गायब हो गया? आज मोहित शर्मा ऐड है सर। आ रहे सर, आज नाम लिख रहा था। यो बोल रहा है सर। तो आज आया हुआ सर मोहित शर्मा। आज तो वो नाम नहीं है तुम्हारे शर्मा जी है सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो एवापोरेटर का काम समझ में आया कि एवापोरेटर द्रव रेफ्रिजरेंट को वाष्पित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे हम कई नामों से जानते हैं, लो साइड बॉयलर, कूलिंग कॉइल, फ्रीजर, ठीक है, एवापोरेटर, इसके कई नाम है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एवापोरेटर वह उपकरण है जिसके द्वारा तरल गैस को वाष्पित किया जाता है, जिससे वहां ठंडक उत्पन्न होती है। इसे कूलिंग उत्पन्न करने के लिए फ्रीजर कॉइल, फ्रीजिंग यूनिट, कूलर यूनिट, बॉयलर, लो साइड, इस प्रकार कई नामों से पुकारते हैं। एवापोरेटर सिस्टम में कूलिंग एवापोरेटर के द्वारा ही की जाती है, मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कूलिंग है एवापोरेटर के द्वारा ही होती है या ऑपरेटर वाली जगह पर ही होती है। यह गर्म स्थान या अन्य पार्ट से ऊष्मा को सोखकर गैस को वाष्पित करता है। एवापोरेटर में एक तो कौन कौन सी हीट प्रयोग होती है, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को अब्जॉर्ब करता है जिससे कि वहां पर ठंडक उत्पन्न होती है। एवापोरेटर के प्रकार, एवापोरेटर कितने प्रकार का होता है? बेयर ट्यूब टाइप, अकेली कूलिंग कॉइल, ठीक है, ड्राई एक्सपेंशन, फिंज टाइप, फोल्डेड टाइप, प्लेट टाइप, नेचुरल कन्वेक्शन एवापोरेटर, फोर्स कन्वेक्शन एवापोरेटर, और इस प्रकार से ये एवापोरेटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले फोल्डेड टाइप एवापोरेटर ही जो हमने ये पढ़ा है, फ्लोट वाल्व का जो पढ़ा है ना, ये फोल्डेड टाइप एवापोरेटर है। इस एवापोरेटर के अंदर, क्योंकि इसका नाम देखो क्या है, फोल्डेड, फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है, जहां चारों तरफ पानी पानी हो, बाढ़, ठीक है, इसीलिए इसका नाम फोल्डेड है कि इस एवापोरेटर के अंदर पूरा द्रव भरा होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस एवापोरेटर के अंदर भरी होती है, इसीलिए इसका नाम फोल्डेड टाइप एवापोरेटर कहलाता है। इस प्रकार के एवापोरेटर में कॉइल में पूरी तरह से लिक्विड गैस भरी होती है। एवापोरेटर के साथ एक फ्लोट चैम्बर लगा होता है जिसमें तरल गैस भरी होती है। ये दिखाया, ये पूरा फ्लोट चैम्बर है, ये वाला जो हिस्सा है ये फ्लोट चैम्बर का है, इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरी होती है। फ्लोट चैम्बर के द्वारा एवापोरेटर में गैस की आपूर्ति की जाती है। ये फ्लोट वाल्व जो है यही इस चैम्बर में रेफ्रिजरेंट को भरता है, कम ज्यादा इसके द्वारा ही रेफ्रिजरेंट भरी जाती है, और जब इसमें रेफ्रिजरेंट भरेगी
तो ये रेफ्रिजरेंट एवोपोरेटर के अंदर भरेगी। तो एवोपोरेटर में रेफ्रिजरेंट की पूर्ति कौन करता है? फ्लोट वाल्व करता है। एवोपोरेटर द्वारा उत्पन्न गैस वाष्प फ्लोट चैम्बर के ऊपरी भाग से होते हुए सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में खींच ली जाती है। तो यहां से रेफ्रिजरेंट आएगी, ये एवोपोरेटर के अंदर भर जाएगी, पूरा एवोपोरेटर रेफ्रिजरेंट से फुल हो जाएगा और हीट लेकर ये एवोपोरेटर इस रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा? वाष्पित करेगा। और ये रेफ्रिजरेंट वाष्पित होकर वाष्प बनकर सक्शन लाइन में चली जाएगी और सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट को सक कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। इस प्रकार इस एवोपोरेटर में काम होता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कण ना जाए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन में ना जाए, इसलिए क्या लगा होता है? ये बैफल लगे होते हैं, इस चैम्बर के अंदर बैफल लगा होता है जो लिक्विड के कणों को रोकता है। वाष्प के साथ जो लिक्विड कण होते हैं उनको रोकने के लिए ये बैफल लगाया जाता है। जब एवोपरेटर में लिक्विड का रेफ्रिजरेंट का लेवल कम हो जाता है तो फ्लोट वाल नीचे हो जाता है और रेफ्रिजरेंट अंदर बढ़ने लगती है। इस प्रकार एवोपरेटर पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट से फुल हो जाता है। फ्लोट वाल की ऊष्मा परिवर्तन की दर अधिक होती है, इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी अन्य एवोपरेटरों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इनमें गैस की अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है जिसके कारण से आकार में बड़े तथा भारी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरी होती है, इसलिए ये आकार में बड़े और भारी होते हैं। बड़े यूनिटों में, बड़े सिस्टम में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग जो ज्यादा कैपेसिटी के रेफ्रिजरेशन यूनिट होती है उनमें करते हैं, जैसे भारी रसायन उद्योग, कोल्ड स्टोरेज आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। अब है ड्राई एक्सपेंशन एवोपोरेटर। ड्राई एक्सपेंशन एवोपोरेटर अभी तक हमारे जितने रेफ्रिजरेटर में है, एसी में है, डीप फ्रीजर में है, वाटर कूलर में है, इस प्रकार के जो एवोपोरेटर हैं वो सारे ड्राई टाइप एवोपोरेटर हैं, इनको हम ड्राई एक्सपेंशन एवोपोरेटर कहते हैं। इनका क्या है? यह एवोपोरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इनके क्षमता जो है 150 टन से कम रेफ्रिजरेशन यूनिटों में इनको प्रयोग करते हैं। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। फ्लूइड टाइप ऑपरेटर, इसका डायग्राम हमने देख लिया था। अब दूसरा है ड्राई टाइप, ड्राई एक्सपेंशन टाइप। ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑपरेटर
अपूर्व खेल लिया क्या? नहीं है वो, देखो चित्र की तरफ देखते रहो, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो एवापोरेटर के अंदर एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू प्रवेश कर रही है। ये क्या है? एक्सपेंशन डिवाइस है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू एवापोरेटर में प्रवेश कर रही है, परंतु धीरे धीरे जैसे ये एवापोरेटर में प्रवेश कर रही है, साथ साथ लिक्विड के साथ साथ वाष्पित भी होने लगी है। लिक्विड भी है और वाष्पित भी है। इस प्रकार से वाष्पित होना शुरू हो गई है और इसके अंदर एक एक दो बूंदे लिक्विड की भी है, परंतु अंतिम सिरे तक पहुंचने से ये हमारी यहां से यह सक्शन लाइन शुरू हो गई है। अब ये यहाँ पे जो है रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वाष्पित है, इसके एवापोरेटर का ये मान लीजिए अंतिम सिरा है। यहां पहुंचते पहुंचते रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसमें द्रव क्या बिल्कुल भी कण नहीं रहता और ये पूरी तरह क्या हो जाएगी? एवापोरेट हो जाएगी। इसको हम ड्राई टाइप एक्सपेंशन एवापोरेटर कहते हैं, क्योंकि यहां जब इसका अंतिम सिरा आता है, अंतिम सिरे में आते आते रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है और लिक्विड का एक भी कण इसके अंदर नहीं रहता, इसलिए इसको ड्राई टाइप एक्सपेंशन एवापोरेटर कहते हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। ये 150 टन तक के यूनिटों में प्रयोग किया जाते हैं। घरेलू यूनिटों में भी ड्राई टाइप एक्सपेंशन एवापोरेटर ही होता है। अब ये ड्राई टाइप एवापोरेटर जो है बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। बेयर ट्यूब टाइप, जैसे ये आपको दिख रहा है ये बेयर ट्यूब टाइप है। इसका जो ये इसके पार्ट है, ड्राई एक्सपेंशन टाइप एवापोरेटर के जो पार्ट है उसमें एक तो है बेयर ट्यूब टाइप, बेयर ट्यूब टाइप, नंबर दो फिंज टाइप, नंबर तीन जो है प्लेट टाइप। इसको प्लेट टाइप जो सरफेस आता है, प्लेट टाइप, ये ड्राई एक्सपेंशन टाइप एवापोरेटर तीन प्रकार का होता है, बेयर ट्यूब टाइप, फिन टाइप और प्लेट टाइप। जो डायग्राम हमारे यहां बना हुआ है ये डायग्राम बेयर ट्यूब टाइप का ही है। और फिंच टाइप आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारे एसी के अंदर होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में होते हैं ये फिंच टाइप होते हैं। फिंच टाइप में एल्युमिनियम की जो फिंच होती हैं वो फिंच लगी होती हैं। इस प्रकार से एल्युमिनियम की फिंज लगी होती है, ये फिंज टाइप है। और प्लेट सरफेस टाइप, प्लेट टाइप में जो हमारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, कन्वेंशनल टाइप रेफ्रिजरेटर है उनमें जो ऑपरेटर होता है वो प्लेट टाइप होता है। उसके अंदर एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर ऑपरेटर की कॉइल जो है लगाई जाती है, ये प्लेट टाइप है।
प्लेट ड्राइव ऑपरेटर, ये ऑपरेटर की कॉइल है और प्लेट के ऊपर इंस्टॉल किया जाते हैं, इसलिए इसको प्लेट टाइप कहते हैं। समझ में आया? बेयर ट्यूब टाइप, हिंज टाइप और प्लेट टाइप, ये तीन अलग अलग टाइप के एवापोरेटर, ड्राई एक्सपेंशन एवापोरेटर हैं। इनके तीन टाइप है, बेयर ट्यूब टाइप, हिंज टाइप और प्लेट टाइप होती है। प्लेट टाइप ज्यादातर आप देखते हो बोटल कूलर के अंदर भी मिल सकती है, हमारे जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है उनमें भी जो एवापोरेटर होता है वो प्लेट टाइप होता है, उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम की शीट लगाई जाती है। और फिंच टाइप जो एसी होते हैं, स्प्लिट एसी, विंडो एसी और फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, उनमें एवापोरेटर फिंच टाइप होते हैं। बेयर ट्यूब टाइप, ये कई जगह पर बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी कोल्ड स्टोरेज टाइप में या दूसरे उसमें। फिंच टाइप भी होता है वहाँ, और बेयर ट्यूब टाइप भी प्रयोग करते हैं, और पानी लिक्विड में, जैसे बर्फ की फैक्ट्री होती है, लिक्विड के अंदर इस प्रकार की ट्यूब होती है, उसमें पानी संपर्क में इसके लेके आते हैं, तो आइस फैक्ट्री वगैरह जो होती है उसमें बेयर ट्यूब टाइप ऑपरेटर होता है। टाइम होने को गया पूरा, इससे संबंधित आपको कुछ पूछना है तो बताओ। आवाज आ रही है? जी सर। किसी को पूछना है फोन कर सकता है, फोन करके ही पूछ सकता है, अभी भी पूछ सकता है। ये सर आवाज आ रही है? पूछना है चलो ठीक है। सभी जो है घर पे पढ़ा करो, जो काम दिया जाता है वह काम अपना थ्योरी की फेयर फाइल में करो, साथ के साथ जो अपने घर का, घर के सदस्यों का भी ध्यान रखो, घर का काम करो, गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की है उनका पालन करो, खुद सुरक्षित रहो, अपने घर वालों को सुरक्षित रखो, ठीक है? यस सर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अपूर्व खेल लिया क्या? हाँ दूसरे साथियों को भी बोला करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ज्वाइन करें, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं आते, जो आते हैं वो 15-20 बच्चे हैं जो रोज आते हैं। यस सर। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, मीटिंग खत्म होने वाली है। चलो ठीक है, गुड डे, टेक केयर, सभी अपना अपना ध्यान रखें।